हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपका बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के सेकंड सेमेस्टर का जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हमने आपका पूरा कवर करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल में विजिट करके देख लीजिए। हम आपका बीए फर्स्ट ईयर का जो पहला यूनिट है सोशियोलॉजी का, आपका 8 यूनिट में बटा हुआ है, तो पहले यूनिट का आपने अति लघु उत्तरीय कंप्लीट करवा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कवर करवाएंगे, एंड उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो वो भी कवर करवाएंगे। यानी कि आपके चाहे ऑप्शनल आ रहे हो या फिर सब्जेक्टिव आपका पेपर हो रहा हो, दोनों ही कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी इजीली आप कंप्लीट कर सकोगे, एंड अगर आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो कुछ ना कुछ वो चीजें हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपका सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, तो शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जहां तक हमने कल कवर कर लिया था, आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो कवर हो चुके थे। तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच के संबंधों की विवेचना करते हुए गांव और नगर में अंतर क्या है, उसको स्पष्ट करना है। क्या करना है कि ग्रामीण नगरीय संबंध जो है इसको स्पष्ट करना है, और दोनों में अंतर क्या है ये आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण और नगरों के, गांव और नगर के संबंध के बारे में, कि गांव और नगर के बीच में संबंध क्या है, तो देखो यातायात हो, संचार हो, इन सभी जो कुछ विशेषताएं हैं ये शहर में और शहर की कुछ विशेषताएं गांव में भी हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि कुछ चीजें शहरों के हमें गांव में भी देखने को मिलती हैं। साथ ही जो गांव नगर के करीब होते हैं वे लगभग नगर की ही विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वे गांव जो कहीं ना कहीं नगरों से करीब हैं, कहीं ना कहीं नगरों के आसपास के गांव है ना, वो भी नगरों की तरह ही बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। गांव की निर्भरता जो है, जैसे तकनीकी हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इन सभी के लिए नगरों पर ही होती है, यानी कि वो अपनी आय के लिए नगरों पर निर्भर होते हैं। आप देखोगे आसपास के जो नगर है, नगर के आसपास अगर कोई गांव भी है ना, तो वहां अगर किसी बच्चे को एजुकेट करना है, किसी बच्चे को एजुकेशन देना है, वो शहर में ही नाम लिखाएंगे। भले ही बस से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भेज रहे हों, लेकिन वो नगर में ही नाम लिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, तकनीकी मिल सके, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सभी के लिए वो शहरों की तरफ भागते हैं। ओके, और नगर की गांव खाने पीने की चीजें, जैसे नगर के लोगों को गांव से क्या चीजें मिलती है, अनाज मिलता हो गया, दूध का हो गया, ये सारी चीजें उनको गांव से मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, एक संबंध डेवलप हो रहा है, एक संबंध स्थापित हो रहा है। इस आवागमन और विनिमय में कुछ ना कुछ आचार विचार जीवन शैली का आदान प्रदान होता रहता है, यानी कि जब आपका संबंध होगा, आपको किसी से कुछ चीजें चाहिए और किसी को आप कुछ चीजें ऑफर कर रहे हो, कुछ चीजें दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के चाल चलन, रूप रंग ढंग, हर एक चीज से कहीं ना कुछ जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह नगर और गांव एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ग्राम में जो नगरीकरण है, यह सीजे गाल्पिन की एक अवधारणा है, ग्राम नगरीकरण नाम का एक अवधारणा है, जो कि सीजे गाल्पिन महोदय की क्या है, एक अवधारणा है कि जब गांव नगर के प्रभाव में नगरीकरण की ओर अग्रसर होता है तो ऐसे क्षेत्रों का निर्माण करता है जो पूरी तरह से ना तो नगरीय होती है और ना ही ग्रामीण होते हैं। इसे गाल्पिन ने ग्राम में नगरीकरण कहा, मतलब गांव में नगरीकरण, गांव का नगरीकरण, यानी कि ये मतलब पूरी तरह से ना तो नगर होते हैं ना तो पूरी तरह से गांव होते हैं। तो ऐसी अवस्था को जो है सीजे गाल्पिन ने क्या कहा हुआ है कि ये क्या है, ग्राम में नगरीकरण है। अब ग्रामीण नगरीकरण, नगरीय जो सातत्य है, इस अवधारणा के अनुसार ऐसा कोई नगर नहीं है जिसमें ग्रामीण जीवन के तत्व विद्यमान ना हो, यानी कि ऐसा कोई नगर है ही नहीं जिसमें गांव के कुछ तत्व विद्यमान ना हो, कुछ भी मतलब गांव से रिलेट हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नगरीय जीवन के तत्वों का समावेश ना हो, यानी कि ऐसा कोई गांव नहीं है कि मतलब वो पूरी तरह से प्राचीनता में जिए जा रहा है, उसको नगरों से रिलेट नहीं कर पा रहा है, या नगरों का कुछ चीज उसमें ना हो। आप देखोगे आज गांव-गांव में आपको टेलीविजन मिल जाएगा, गांव-गांव में आपको फ्रिज मिल जाएगा, वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं मतलब हर एक गांव क्या है, नगरों से कनेक्टेड है, नगरों से चीजें ग्रहण कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं हर एक शहर में कुछ ना कुछ चीजें जरूर गांव से रिलेट करती उनके पास होती रहती हैं। तो गांव में साफ पानी और हवा दोनों प्राप्त होता है, गांव में प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है,
चारों ओर थोड़ी शांति रहती है। गांव में लोग बड़ी मात्रा में शक्ति आदि से जुड़े होते हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार आदि को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। एंड इसी के जस्ट अपोजिट आप अगर नगरों की बात करोगे ना, तो नगरों में ना साफ पानी है, ना साफ हवा मिलती है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण रहता है, चारों ओर मतलब आवाज शोरगुल ही मचा रहता है। यहाँ पर मतलब कि त्योहारों का उतना वैल्यू नहीं रहता, बस एक जो कहते हैं ना एक ओकेशन है बस, हाँ औपचारिकता निभा दिया, वैसे ही होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके की ये चीजें हैं। अब अगर हम बात करें कि गांव और शहर में अंतर क्या है, संबंध तो हमने देख लिया कि हाँ दोनों में कहीं ना कहीं संबंध है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इनमें अगर डिफरेंसेज की बात किया जाए कि इसमें आखिर अंतर कहां पर आता है, तो देखो गांव में गलियां और सड़कें कम होती हैं, गांव में कच्ची सड़क होती है, वहीं शहरों में गलियां और सड़कों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब थोड़े थोड़े दूर पे देखोगे अलग अलग तरीके के गली निकले हुए हैं, शहर निकला हुआ है, गांव देखोगे पूरे गांव में एक ही सड़क गई हुई है, बस खत्म। लेकिन आप शहरों में देखोगे हर घर के पास से कुछ सड़क जाना चाहिए, हर एक विला अगर बन रहा है उसके चारों तरफ से सड़क जानी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हैं। दूसरा इसमें अंतर यह है कि गांवों में जो है व्यापारीकरण की विशेषता का अभाव पाया जाता है, थोड़ा व्यापार कम होता है, जबकि शहर में व्यापारीकरण जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप बात करें अगले जो है अंतर की, तो गांव में शिक्षा और तकनीकी के ज्ञान का अभाव है, थोड़ा एजुकेशन में तकनीकी में गाँव के लोग पीछे हैं, जबकि शहरों में इसकी क्या है अधिकता है। अगला जो अंतर बात किया जाए तो गांव में मुख्य आर्थिक जो आधार है वो कृषि है, जबकि शहरों की बात किया जाए तो वहां पर मुख्य जो आर्थिक आधार है वो उद्योग है। अगला बात किया जाए तो गांव में प्राथमिक संबंधों प्राथमिक समूहों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि शहर में द्वितीयक संबंधों और द्वितीयक समूहों की विशेषता की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर है गांव में और शहरों में, और कुछ हमने आपको अंतर संबंध भी बता दिया कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये चीज देखा हुआ था। तो संगठन और सामाजिक संगठन की अवधारणा के बारे में बात किया जाए तो संगठन संरचना की इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधता का सूचक है। शैली की संगठन क्या है, जो संरचना के पार्ट्स है, इकाई है, जैसे एक समाज है, समाज की संरचना की इकाई क्या है, लोग हैं। अब लोगों के बीच में जो काम करने का प्रकार्यात्मक एक संबंधता पाई जाती है उसी के सूचक को क्या कहते हैं, सामाजिक संगठन। अब बात किया जाए कि सामान्य जो है अर्थों में से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके काम करना ही क्या है, संगठन है, कि हमें कुछ चाहिए, कुछ चीजें हमें प्राप्त करनी है और उसके लिए हम मिल करके काम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा क्या, कि वो संगठन है। समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में सबसे पहले अगस्त कामटे ने सामाजिक संगठन की बात किया है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने नैतिकता और मूल्य मैतकता को सामाजिक संगठन का आधार माना है। संगठन जो है ये संरचना की इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधता का सूचक है और सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके जो हम काम करते हैं, जो मिलजुल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं वही कहलाता है बेसिकली संगठन, मतलब मिलजुल करके एक समूह का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा संगठन, हमको ये चीज कर रहा है, ये चीज अचीव करना है और इसके लिए मिलजुल करके हमने पूरा एक टीम बनाया है, तो वो क्या कहलाएगा कि एक संगठन है। अगर हम सामाजिक संगठन के अर्थ के बारे में बात करें तो समाज का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उनमें पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर होता है। समाज में इन इकाइयों की अपनी निश्चित स्थिति होती है, इनकी स्थिति के अनुसार ही कार्य को निर्धारित किया जाता है और जब ये इकाइयां अपने निर्धारित कार्यों के अनुसार क्रियाशील होती हैं तो समाज हमें संगठित रूप में दिखाई देता है, यानी कि हर व्यक्ति का समाज के जो अंग है, व्यक्ति ही अंग है उसका, तो समाज के हर एक अंग का अपना एक ड्यूटी है, अपना एक काम है, जब वो उसको अच्छे तरीके से कर रहा होता है, उसको अच्छे तरीके से निभा रहा होता है, तो सामाजिक संगठन क्या होता है, सामाजिक संगठन का जो पूरा ढांचा है वो अच्छे तरीके से रन करता है। और जब व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जो मतलब उसकी एक क्या कह सकते हैं कि मतलब उसकी जो अपनी ड्यूटीज है, जो उसका दायित्व है, उसने अपना अगर दायित्व पूरा करना बंद कर दिया, उसने अपना दायित्व तो छोड़ दिया, तो सामाजिक संगठन क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। सामाजिक संगठन जो है वो व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जिसमें सम्मिलित उद्देश्य होते हैं, सदस्यों के बीच काम का बंटवारा होता है, संगठन के कुछ निश्चित नियम होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से है, जबकि सामाजिक संगठन इकाइयों में प्रकार्यात्मक संतुलन की स्थिति का द्योतक है। संरचना क्या है कि जो समाज की इकाइयां हैं वे क्रम में काम कर रही हों और संगठन क्या की इकाइयां हैं जिसमें काम चल रहा हो।
सामाजिक संगठन के संदर्भ में जेपी सिंह का कहना है कि सामाजिक संगठन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी समाज के विभिन्न अंग अर्थात संस्थाएं, समूह और समितियां अपने स्वीकृत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार काम करती हैं। सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में समाज की इकाइयां निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्नत कर रही होती हैं कि कुछ चीजें चाहिए और उसके लिए मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं, मिलजुल करके एक प्रकार्यात्मक स्थिति चल रही है, तो उसको कहते हैं हम सामाजिक संरचना का संगठन या सामाजिक संगठन। अब अगर हम बात करें इसकी परिभाषाओं के बारे में कि सामाजिक संगठन की परिभाषा क्या है, तो तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है। इस पर अपना विचार रखते हुए आगबर्न और निमकाप क्या कहते हैं कि एक संगठन विभिन्न कार्यों को करने वाले विभिन्न अंगों का एक सक्रिय संबंधता होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो संगठन होता है ना, वो अलग अलग काम करने वाले अलग अलग लोगों का एक सक्रिय संबंधता है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और ये एक साथ मिल जाते हैं कि अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग चीजों की आवश्यकता है, लेकिन सब मिल करके अगर रहते हैं तो उसको कहते हैं कि एक सामाजिक संगठन है ये। इसी पर अपना विचार रखते हुए एलियट और मेरिल कहते हैं कि सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य और पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार चलती हैं। इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक संगठन ऐसी दशा है या स्थिति है जिसमें समाज क्या हो कि विभिन्न संस्थाएं जो उसमें हो वो अपने एक मान्य, मतलब पहले से पता है कि किसको कौन सा काम करना है और पूर्व निश्चित एक उद्देश्य है कि हाँ इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, इसके लिए ये काम करना है, तो उसके अनुसार काम करती है, तो वो कहलाता है आपका सामाजिक संगठन। इस पर अपना विचार रखते हुए चार्ल्स कूले महोदय कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रियाओं और उनके बोध को ही हम सामाजिक संगठन कहते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए लोबी महोदय कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों और गतिविधियों का सुसंगत संग्रह ही सामाजिक संगठन है। क्या कहा इन्होंने कि जो है समाज में व्यक्तियों और गतिविधियों का जो सुसंगठित एक निश्चित वे में, एक निश्चित तरीके में जो संगठन किया जा रहा है वही कहलाएगा कि सामाजिक संगठन है। तो इस तरीके से हमने देखा इसकी परिभाषाओं के बारे में, तमाम सारे विद्वानों ने, चार चार विद्वानों ने अपनी राय रखी हुई है कि ये सामाजिक संगठन हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कि सामाजिक संगठन की आखिर विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता सामाजिक संगठन की है, सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा है और एक प्रक्रिया भी है, यानी कि सामाजिक संगठन क्या है, एक दशा भी है और एक प्रक्रिया भी है। दूसरी विशेषता यह है कि समाज की निर्माणक इकाइयों में कार्यात्मक संबंध और संतुलन होने से संगठन की स्थिति निर्मित होती है, कि जो इकाइयां प्रकार्यात्मक संबद्धता के साथ जुड़ी हुई हैं, काम के एक रिलेशन में जुड़ी हुई हैं, उनका जो एक निश्चित तरीके से चल रहा होता है उसको संगठन कहते हैं। तीसरा है आपका सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील अवधारणा है, जरूरी नहीं है कि सामाजिक संगठन हमेशा एक जैसी बनी रहे, वो परिवर्तित होती रहती है। अगला चीज है आपका सामाजिक संगठन में अनुकूलन का गुण पाया जाता है, यानी कि जिस टाइम पीरियड पर जिस चीज की आवश्यकता है हम उसके लिए संगठित होकर के काम कर सकते हैं। अगली चीज है, अगली विशेषता है कि सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है। क्या कहा, सामाजिक जो संगठन है उसका सांस्कृतिक व्यवस्था से क्या होता है, एक संबंध पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने सामाजिक संगठन को समझा, सामाजिक संगठन क्या है, इसका अर्थ क्या है, विद्वानों ने इस पर अपनी क्या राय रखी हुई है, सामाजिक संगठन की विशेषता क्या है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि गांव के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता को क्या करना है, समझाना है कि गांव का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो देखो अगर हम बात करें गांव के अर्थ के बारे में, तो विभिन्न विद्वानों ने गांव को ग्रामीण शब्द से प्रेरित होकर के बात किया हुआ है। इसमें अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग रहते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गांव कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द को उसके उपयुक्त माना है। जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है, एक ग्रामीण व्यवस्था है। तो ग्रामीण जो है व्याख्या नगरीय शब्द के विपरीत माना है कि नगरों के विपरीत कुछ है तो वो ग्राम है, अर्थात नगरीय विशेषताओं के विपरीत सो भी विशेषताएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाएगा, ग्राम कहलाएगा। अब ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया गया है और प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम कहा गया है। तो गांव की परिभाषा के बारे में बात करें, तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी हुई है। इस पर अपना विचार रखते हुए स्मिथ महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय को एक ऐसे बड़े क्षेत्र के रूप में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त अधिकतर क्या हो, प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति हो रही हो, यानी कि जहां पर मनुष्य के इमोशंस का, मनुष्य के हितों का ध्यान रख करके एक समुदाय बने, उस समुदाय को समाजशास्त्रियों ने कहा है कि ये क्या है, गांव है। इस पर अपना विचार रखते हुए सैंडरसन कहते हैं कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया, उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं,
जिसमें वह खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों पुरवा या गांवों में रहते हैं और उनकी सामान्य क्रियाओं का क्या होता है, केंद्र निश्चित होता है कि हाँ ये इनका गांव है, उससे वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए पीके महोदय कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय जो है ये परस्पर संबंधित और असंबंधित उन व्यक्तियों का समूह है जो अकेले परिवार से अधिक विस्तृत एक बहुत बड़े घर या परस्पर निकटता स्थित घरों में कभी अनियमित रूप में तथा कभी एक गली में रहता है और मूलतः उसके अनेक कृषि योग्य काम करता है, कृषि करता है और मैदानी भूमि को आपस में बांट लेता है। यानी कि जो कृषि कर रहा हो भूमि को बांट ले रहा हो, झोपड़ियों में रहता हो और क्या हो आसपास या तो मतलब एक परिवार की तरह रह रहा हो या फिर अलग अलग छोटे छोटे फैमिलीज के रूप में एक साथ थोड़ा सा कनेक्शन बना करके रहता हो तो वो कहलाएगा आपका गाँव, ऐसा पीके महोदय का कहना है। अब अगर हम बात करें गांव की विशेषताओं के बारे में कि गांव की आखिर विशेषता क्या है, तो ग्रामीण विशेषताओं को हम ग्रामीण जीवन का अंग कह सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही गांव को हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये गांव है और नगरों से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं कि हाँ इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये नगरों से अलग है, गाँव की ये विशेषता है। गाँव के लोगों का जीवन जो है वो कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने, भोजन संग्रहण करने आदि जो क्रियाएं हैं इन चीज़ों पर निर्भर करता है। या तो कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, शिकार करेंगे, मछली मारेंगे, भोजन इकट्ठा करेंगे, यही सारे काम होते हैं गांव में। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना पड़ता है, यानी प्रकृति से वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, चाहे वो कृषि कर रहा हो, शिकार कर रहा हो, मछली मार रहा हो, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। और अगर आप शहरों की बात करोगे तो वहाँ पर नेचर से दूरी होती है, टेक्नोलॉजी से कनेक्शन होता है, भौतिक वस्तुओं से कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं। मौसम के अनुरूप व्यक्ति अपने आप को ढालता है और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारकों का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है, जैसे कि वर्षा हो गया, शीत ऋतु हो गया, गर्मी हो गया आदि भी क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों के मुख्य व्यवसाय होते हैं। और नगर के जीवन आधार उद्योग है, इसलिए नगरवासियों को प्रकृति से जो होता है प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, उनका कुछ भी चल रहा हो, कोई भी मौसम चल रहा हो, काम वही करना है, ऑफिस में जाकर के बैठना है, क्लाइंट्स देखने हैं, मतलब कुछ भी हो, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, ऑफिस पहुंचना है, काम करके वही चीज रिटर्न चले आना है, मतलब उनको प्रकृति से फर्क नहीं पड़ता है कि गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, क्या चीजें अलग हो रही होंगी, नहीं। गाँव में प्रति वर्ग मील जनसंख्या का अनुपात शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है क्योंकि इसके बिना कृषि करना या पशुचारण करना संभव ही नहीं है। ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों में इर्द गिर्द बिखरे रहते हैं। कम घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्र घनी बस्ती की समस्याओं जैसे स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण का अभाव, गंदगी, बीमारी, मकानों की कमी, इन चीजों से बचे रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि गांव की क्या है, गांव की विशेषता क्या है, गांव के बारे में विद्वानों ने क्या कहा हुआ है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शहरों को परिभाषित करो और शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच में अंतर बताओ। तो देखो अगर हम शहरों के बारे में बात करें तो शहरी शब्द का तात्पर्य बेसिकली उस क्षेत्र से है जो घनी आबादी वाला हो, यानी कि जहां पर घनी आबादी पाई जाती हो उस क्षेत्र को हम शहर के रूप में कह सकते हैं। इसके पास मानव निर्मित परिवेश की विशेषता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोग व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, सेवाओं में लगे रहते हैं। इससे निपटाने के में उच्च स्तर का औद्योगिकरण होता है, इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। शहरी निपटान केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि ये कस्बों और उपनगरों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं अपने आप में। शहरी क्षेत्रों में जीवन के कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि विभिन्न सुविधाओं तक आसानी से पहुंच जाना, बेहतर परिवहन की सुविधाएं हो गया, मनोरंजन हो गया, शिक्षा के विकल्प हो गए तमाम सारे, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई। हालांकि यह प्रदूषण जैसी कुछ कमियों को भी झेलता है कि मतलब सारी चीजें सुविधाएं तो हैं लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, जो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण बसों, ट्रेनों, कारों और इतने पर परिवहन के जो साधन हैं इन सभी के कारण जो है तमाम सारे प्रदूषण निकलते हैं और इन प्रदूषणों को शहरों में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ता है, जिससे कुछ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ स्वास्थ्य समस्याओं की वृद्धि बढ़ ही रही है, उनकी समस्याएं बढ़ ही जा रही हैं। अब अगर बात करें शहरों और ग्राम के बीच में अंतर के बारे में, तो शहर और गाँव के बीच में बुनियादी अंतर हम निम्न चीजों पर देख सकते हैं, जैसे कि पहला हो सकता है कि एक बस्ती जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है इसमें निर्मित वातावरण की विशेषताएं होती हैं जो शहरी के रूप में हम जानते हैं, जबकि ग्रामीणों की अगर बात किया जाए तो एक भौगोलिक क्षेत्र है जो शहरों और कस्बों के बाहरी हिस्सों में स्थित होता है, उनके अंदर नहीं, उससे बाहर इकट्ठा होता है, उसको हम कहते हैं गांव।
नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें तो शहरी जीवन में जीवन तेज और जटिल हो गया है, जबकि ग्रामीण जीवन सरल और तनाव मुक्त है। अगला चीज है आपका, शहरी बस्ती में शहर और कस्बे शामिल है, दूसरी ओर ग्रामीण जो बस्ती है उसमें गांव और बस्तियां हैं। अगला विशेषता है कि मतलब अंतर है, निर्मित वातावरण के अस्तित्व के कारण शहरी क्षेत्रों में प्रकृति से अधिक अलगाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमने अपना वातावरण खुद ही बना लिया है। गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हमारे घर में एसी चालू हो गया तो हम जैसा मौसम चाहे वैसा मौसम कर सकते हैं। हमको ठंडी चाहिए ठंडी कर सकते हैं, गर्मी चाहिए गर्मी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, शहरों में क्या हो गया, निर्मित वातावरण आ गया है, शहरी क्षेत्रों में ये प्रकृति से क्या हो रहा है, अलगाव कर रहा है, जबकि इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में सीधे संपर्क में होते हैं क्योंकि प्राकृतिक तत्व उन्हें प्रभावित करते हैं। गर्मी है तो भैया गर्मी लगेगी, ठंडी है तो ठंडी लगेगी। तो मतलब क्या है, प्रकृति से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं प्रकृति से क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, तो अगर अगले इनके अंतर के बारे में बात किया जाए तो शहरी लोग गैर कृषि कार्य जैसे कि व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, सेवा उद्योग हो गया, इसमें लगे हैं, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो लोग प्राथमिक व्यवसाय उनका कृषि और पशुपालन है, तो प्रकृति से कनेक्टेड है। अगला चीज है आपका कि जनसंख्या के लिहाज से शहरी क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं जो शहरीकरण पर आधारित है, यानी कि शहरीकरण जितना ज्यादा होगा आबादी उतनी ज्यादा होगी। इसके विपरीत ग्रामीण आबादी क्या है, विरल है, जिसका कृषिवाद के साथ विपरीत संबंध है। अगला है आपका इसमें अंतर कि शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अनुसार शहरी क्षेत्रों को एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाता है। क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास शायद ही कभी होता है ऐसा। अगला चीज है कि जब सामाजिक विकास की बात आती है तो शहरी लोग अत्यधिक गहन होते हैं क्योंकि वो बेहतर अवसरों की तलाश में अक्सर अपना व्यवसाय या निवास बदलते रहते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को व्यवसायिक क्षेत्रीय या गतिशीलता से अपेक्षाकृत कम लगाव होता है, कम गहन होते हैं उसमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि शहरी और जो ग्रामीण जीवन है इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है या इनमें क्या जो है एकता है और डिफरेंस क्या है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे इसके बाद हमें पढ़ना है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिससे कि उनकी इससे काफी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपने एग्जाम्स की लगातार तैयारी करते रहिए, एंड आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन पाने के लिए, अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।